खरगोन जिले में दौरा करने आए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सचिन यादव ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया और कहा कि इस आपदा में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की मदद करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। खरगोन के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री सचिन यादव दौरा करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर खेतों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात भी की। वहीं मंत्री जी ने जल्द ही मुआवजा राशि दिलाने को लेकर भी कहा और मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश में जिस तरह बारिश के पानी ने तबाही की है, हमें भरोसा है कि केंद्र सरकार से हमने जितने बजट की मांग की है उतना हमें मिलेगा ताकि हम प्रदेश के किसानों की मदद कर सकें। और सर्वे का दौर भी जारी है। जो प्रारंभिक जो आकलन जो है हमारे बीच में आया है, प्रारंभिक रिपोर्ट जो हमारे पास में आई है, जहां पर प्रदेश में लगभग 24 लाख हेक्टेयर जो है फसलें प्रभावित हुई हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फसलों का नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा भी जान माल की भी नुकसानी की खबरें हमारे पास में आई हैं। हमने इस संकट की घड़ी में हमने केंद्र सरकार से एक विशेष सहायता पैकेज की हमने मांग करी है। 1100 करोड़ की जो है 11,000 करोड़ की जो है हमने विशेष पैकेज की मांग करी है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो है हमारी और इस प्रदेश की में जो ये जो प्राकृतिक आपदा आई है उसको संज्ञान में लेकर के हमारे किसान साथियों को और हमारे प्रदेशवासियों को जो है सहायता पहुंचाने का काम करेगी। आपको बता दें कि खरगोन जिले में मंत्री सचिन यादव अब तक 3 दौरे कर चुके हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण कस्बे से ताल्लुक रखने वाले कृषि मंत्री सचिन यादव इन दिनों किसानों के दर्द पर मरहम लगाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।